गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, आज हम पाठ 11 के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा कि नियम पांच हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। दूसरा प्रश्न है, शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? बच्चों, आपने पढ़ा, शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। अर्थात शारीरिक रूप से स्वच्छ होना और मन से, विचारों से स्वच्छ होना, दोनों क्या कहलाते हैं? शौच कहलाते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंद में बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी, इन दो भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है, और ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। प्रश्न नंबर 3 है, संतोष नामक नियम का अर्थ तथा इसके पालन करने के लाभ बताएं। बच्चों, नाम से ही पता चलता है, संतोष अर्थात जो हमारे पास है, जो हमने अपने परिश्रम से कमाया है, उस पर स्थिर चित्त रहना, उसमें ही ईश्वर का धन्यवाद देना संतोष कहलाता है। पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो, उससे अधिक का लोभ ना करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। लालसा और तृष्णा यानी कि लालच का दास ना बनना संतोष है। इच्छाएं हम जितनी अपनी नियंत्रित करेंगे, सुख उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि इच्छाएं ऐसी आग हैं जो संतोष के जल के बिना बुझ ही नहीं सकती। संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है। थैंक यू। अगला अगली कालांश में करेंगे, तब तक इनको उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें।